नमस्कार, स्वागत है आपका सेट योर सेल्फ फ्री विद सारा में। मेरा रियल नेम सरिता है और सारा मेरा निकनेम है। हम इस शो के जरिए आपसे बात करेंगे आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। हम ऐसे टॉपिक्स लाएंगे आपके लिए जो कि आपकी भावनात्मक और दिमागी परेशानियों से जुड़े हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है मेंटल हेल्थ और क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ। तो बात करें अगर रिसर्च की, तो 2017 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या के लगभग 14% लोग 14% लोग मानसिक बीमारियों से लड़ रहे हैं। उसी स्टडी में आगे बताया गया है कि लगभग 457 लाख लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और लगभग 490 लाख लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। कोविड-19 ने इन आंकड़ों को और बढ़ा दिया है और डिप्रेशन से जुड़ी हुई सुसाइड के नंबर भी बढ़ गए हैं। अगर WHO की माने तो हमारे देश का जो इकोनॉमिक लॉस होता है सिर्फ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, वो है 1.03 ट्रिलियन। आप यकीन करें, ये डेटा बिल्कुल ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग ही 7 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है। तो ये आंकड़े ये साफ जाहिर करते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत है इसके बारे में बात करने की, इनको समझने की। अब बात करते हैं उन कारणों की कि ये क्यों होते हैं या इसका क्या रीजन है कि इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया है हमारे देश में। तो इसके मेन 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि कितनी तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं और कौन से चैलेंजेस हैं इमोशनल लेवल पे आपके जनरली लाइफ में, जो आपको पता भी नहीं है कि ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो आगे जाके आपको कोई ना कोई बड़ा एलिमेंट या बड़ी इलनेस आपको दे सकती हैं। दूसरा, हम लोग उसी में अवेयरनेस का एक और पॉइंट है डिनायल। हम ये मानते ही नहीं है कि हमारे साथ कोई भी चैलेंज है, या हम जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि उनके बिहेवियर में कोई चेंज है, वो किसी परेशानी में है या वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो हम उसे डिनाई करते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो बहुत एक आम बात है, हम उसे जानने की कोशिश नहीं करती। तो आधे से ज्यादा लोग डिनायल मोड में जी रहे हैं हमारे देश में। और दूसरा रीजन है एक्सेस। एक्सेस मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो क्या करें अगर उनके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या उनकी जानकारी में किसी को परेशानी है, तो वो कहाँ जाएं और क्या करें। हमारे देश में एक ऐसा भी वर्ग है जो कि लो इनकम ग्रुप है, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि वो ऐसे दौर में या ऐसी परेशानियों में किसकी हेल्प लें। तो हमारे इस शो के माध्यम से हम जागरूकता और हल दोनों के बारे में बात करेंगे। हमारा ये शो हर उस इंसान के लिए है जो अंदरूनी बदलाव लाना चाहता है, जो अपने और अपनों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बिल्कुल दुरुस्त रखना चाहता है, जो कि ये जानता है कि इन द एंड हमारे से जो रिश्ता है वही रिश्ता हमारा दूसरों के साथ भी है। और जब हम अपने आप में खुश नहीं है या अपने आप में परेशान है, कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, तो हम खुलकर कैसे जिएंगे और कैसे इंजॉय करेंगे अपने रिलेशनशिप्स, लाइफ या इवन मनी को। तो आप, हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि मेरे पास सब कुछ है और आप ना खुश हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस्ड हो या ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हो। तो आप ये सब जान लें कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये एक सिर्फ एक सिम्टम है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, दिमागी थकावट रहती है, आप अगर कोई भी चीज इंजॉय नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक ऐसा कारण हो जिसको कि आप सही टाइम पे एड्रेस नहीं कर पा रहे या नहीं जानते कि उसको एड्रेस कैसे करें। ये शो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इस शो में हम आपको ऐसे कई टिप्स देंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। आप किसी भी पड़ाव पे हो सकते हैं अपनी जिंदगी में, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप होम मेकर हो सकते हैं, आप काम कर रहे हो सकते हैं, आप किसी भी सेक्शन या किसी भी जगह पर हो सकते हैं। ये शो आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स और ऐसे सॉल्यूशंस भी देगा जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, ये शो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ, आपकी चारों लाइफ में कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपको एड्रेस करेगा। तो बने रहे हमारे साथ। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगी नकारात्मक सोच को कैसे अवॉइड करें इसके बारे में, और कैसे अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थिंकर हम रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।